नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण खबर देने जा रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है, स्कूली महानिदेशक बेसिक शिक्षा का जो आदेश आया है उससे सभी शिक्षक भाई अवगत हो जाएं, सभी को इसके बारे में पता चल जाए। वैसे तो यह न्यूज़ स्कूली महानिदेशक बेसिक शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी का जो आदेश आया है, यह सभी जिलों के डायट प्राचार्य, सभी जिलों के BSC और उत्तर प्रदेश के सभी विकास खंड के जो BEOs हैं और सभी डाइट में जो DCs होते हैं, SRGs, RP, डाइट मेंटर, शिक्षक संकुल, हेडमास्टर, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, सभी के लिए लागू है, सभी के लिए आदेश आया है। दोस्तों, पहले इस आदेश को मैं आपको दिखाऊंगा, जो इसकी सॉफ्ट कॉपी घूम रही है आजकल सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप वगैरह पर, वो दिखाऊंगा। इसके बाद मैं इसकी आपको प्रमाणित कॉपी दिखाऊंगा कि आदेश में क्या कहा गया है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही आपको अवगत कराना है कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूं, जिसको लेकर मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से लिंक को ओपन करके भी सीधे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं स्कूली महानिदेशक बेसिक शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी का क्या आदेश आया है सभी टीचर्स के लिए। चलिए देखते हैं। सभी डायट प्राचार्य, BSC, BEOs, SRG, ARPs, डाइट मेंटर, DCs एवं शिक्षक संकुल, कृपया ध्यान दें। राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा 18 सितंबर 2020 दिन शुक्रवार को पूर्वाह्न 11 से 12 बजे के मध्य YouTube सेशन का आयोजन किया जा रहा है। उक्त सेशन में मिशन प्रेरणा के अंतर्गत संचालित गतिविधियां, बुनियादी शिक्षा, ई पाठशाला फेज 2, सपोर्टिव सुपरविजन आदि पर महानिदेशक महोदय एवं विषय विशेषज्ञ द्वारा उद्बोधन किया जाएगा। अतः YouTube सेशन में सभी शिक्षक एवं उल्लिखित पदाधिकारी अपनी प्रतिभागिता समय से सुनिश्चित करें। मीटिंग का लिंक, इस लिंक पर क्लिक करके जुड़े https://youtube.be/xyzkqihck4ye इसका लिंक है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि इसका जो आदेश है वो कौन सा है। आदेश आप यहाँ देख सकते हैं, महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ, ये इसका पिन कोड है लखनऊ का 226007 और पत्रांक है 4282, ये इसका पत्रांक है, दिनांक 14 सितंबर 2020 को निकला है। अवगत कराना है कि राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा दिनांक 18 सितंबर 2020 शुक्रवार को पूर्वाह्न 11 से 12 बजे के मध्य YouTube सेशन आयोजित किया जा रहा है। उक्त YouTube सेशन में गुणवत्ता संवर्धन विज्ञान प्रेरणा के अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियां, बुनियादी शिक्षा, नई शिक्षा नीति 2020, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 2 के संबंध में चर्चा की जाएगी। YouTube सेशन का मिनट टू मिनट एजेंडा निम्नवत है। बैठक का आरंभ एवं उद्देश्य 5 मिनट, बुनियादी शिक्षा में भाषा और गणित शिक्षण का महत्व 15 मिनट, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत शैक्षिक सुधार हेतु गतिविधियां 10 मिनट, मिशन प्रेरणा के अंतर्गत बदलती कक्षाएं वीडियो के माध्यम से 10 मिनट, एकेडमिक कैलेंडर की भूमिका और सहयोगात्मक पर्यवेक्षण वीडियो के माध्यम से 15 मिनट, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 2 के क्रियान्वयन की रणनीति 5 मिनट। तो ये इसका पूरा का पूरा इन्होंने टाइम टू टाइम एजेंडा तय कर दिया है कि
कि कितने समय में किस टॉपिक पर बात होगी। अतः उक्त यूट्यूब सेशन में जनपद के समस्त अनुदेशक, शिक्षा मित्र, शिक्षक, डायट मेंटर, शिक्षक संकुल, एआरपी, एसआरजी, खंड शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं डायट प्राचार्य अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करें। यहाँ पर YouTube का लिंक भी दिया गया है, https://u2.b/xyz/kyih/ck4, ये इसका लिंक है। और नीचे साइन है महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद जी के साइन है। और आप देखिए इसमें कहा गया है जनपद के समस्त अनुदेशक, समस्त शिक्षक, इसमें सभी को प्रतिभाग करना है। आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक यहाँ पर भी दिया हुआ है और आपको आपकी BRC के द्वारा से भी इसका लिंक मिल जाएगा। आपको इसमें प्रतिभाग करना है। इसमें नीचे दिया गया है प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित, अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय निशाचगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश, मुख्य विकास अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद निशाचगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश, प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि उक्त YouTube सेशन में स्वयं के साथ उपरोक्त सभी की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराएं। और खंड शिक्षा अधिकारी BRC समन्वयक समस्त विकासखंड उत्तर प्रदेश को भी इसकी प्रतिलिपि प्रेषित की गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसमें सहभाग करेंगे तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया अनुभव होगा। अतः आप सभी इसमें प्रतिभाग अवश्य करें। 1 घंटे की मीटिंग है कुल मिलाकर, कोई ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। इस तरह की मीटिंग को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो निश्चित ही हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत सारे पूरे उत्तर प्रदेश से लोग जुड़ेंगे इसमें, सभी के विचार सुनने को मिलेंगे, कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आप चाहें तो आप इसमें प्रतिभाग अवश्य करें, बाकी आपकी मर्जी है। वीडियो हमने आपको बता दिया, इसका मकसद बता दिया गया है कि किस विषय पर चर्चा होनी है, क्या टॉपिक है और किस टॉपिक पर कितने मिनट बात होगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अन्य मित्रों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।